अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है असमतुल्ला और आप देख रहे हैं YouTube चैनल दी AIOU। उम्मीद है तमाम फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। सबसे पहले तमाम फ्रेंड्स को जुम्मा बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आज की इस वीडियो के अंदर हमारी जो अपडेट है वो पेपरों के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बंद हो चुकी हैं, क्या इसके बाद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पेपर लेगी या नहीं लेगी। हालाँकि इसके हवाले से मैंने तकरीबन जब पेपर स्टार्ट हुए थे उसी टाइम ही आपको बता दिया था कि स्मोक की वजह से या किसी भी कंडीशन की वजह से स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी अगर यूनिवर्सिटी बंद कर देती है, हुकूमत बंद कर देती है, फिर भी आप लोगों के जो इम्तिहानात हैं वो अपने टाइम शेड्यूल के मुताबिक ही चलते रहेंगे। जैसा कि आज 24 नवंबर का भी पेपर हुआ था, लेकिन कल के पेपर के हवाले से भी काफ़ी तालिबे परेशान थे कि 25 नवंबर का पेपर यूनिवर्सिटी लेगी या नहीं लेगी। तो जी हाँ, 25 नवंबर का भी पेपर जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी लेगी। उस पेपर को ना मुलतवी किया गया है ना कैंसिल किया गया है। तो अगर स्मोक की वजह से मजीद भी छुट्टियां हो जाती हैं, यानी कि एक हफ्ता मजीद एक्सटेंड हो जाता है छुट्टी का, फिर भी आप लोगों के जो पेपर हैं वो चलते रहेंगे। आपके पेपरों के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता, चाहे स्कूल बंद हो चाहे स्कूल ऑन हो। ये बात आपने अपने माइंड के अंदर रख लेनी है। वो अलग बात है कि अगर यूनिवर्सिटी खुद कोई अपना पेपर मुलतवी करती है किसी टेक्निकल रीजन की वजह से या किसी और रीजन की वजह से, तो उसके हवाले से यूनिवर्सिटी इतला हमें दे देती है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। जब तक इस चैनल के ऊपर से आपको वीडियो या पोस्ट नहीं मिलेगी कि फलां पेपर जो है वो मुलतवी हो चुका है या कैंसिल हो चुका है, तब तक कोई भी पेपर ना मुलतवी होगा ना ही कोई पेपर कैंसिल होगा। ये इंशाल्लाह जो ऑफिशियल न्यूज़ होगी वो इंशाल्लाह आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। मिलता है, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।